हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश और क्रिक्सो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईपीएल 2023 का आगाज होने में महज अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मगर टूर्नामेंट से जुड़े नियम कायदे की खबरें हर दूसरे दिन सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल में कुछ नए नियम शामिल किए गए हैं और यह ऐसे नियम हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उन्हीं नए नियमों के बारे में समझाते हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपको आगे भी क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, पहले नियम में बीसीसीआई ने इंपैक्ट प्लेयर रूल पेश किया है। इसमें टीम को 11 की जगह 12 खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा और जब भी टीम को इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करना होगा तो अंपायर मैदान पर हाथ में क्रॉस सिग्नल दिखाएंगे। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि मैदान पर केवल 11 ही खिलाड़ी होंगे और एक खिलाड़ी एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिजर्व के तौर पर होगा, जिसका इस्तेमाल आप मैच के दौरान कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें दूसरे नियम की, तो दोस्तों आप प्लेयर LBW और कॉट बिहाइंड के अलावा वाइड और नो बॉल के लिए भी DRS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें तीसरे नियम की, तो मैच से पहले हर कप्तान अपनी 2 प्लेइंग 11 की सीट तैयार कर सकता है और टॉस हारने या जीतने की स्थिति में वह 2 में से कोई एक टीम की सीट दूसरे टीम की कप्तान को सौंप सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।